हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फैमरन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि कलेक्टिव होगी। ये कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट दोनों से मैच करेगी। हो सकता है अभी आप बहुत ही अकेला फील कर रहे हो, आपका मन नहीं है किसी से बात करने का, कट आउट किया हुआ है खुद से। आपका मन नहीं होता कि मैं किसी से बात करूं और ना ही मेरी लाइफ में कोई हो, क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन हो चुके हैं। आपका मन करता है मैं कुछ दूसरे कामों में, मतलब अपने आप को हील करने में लगाऊं, ना कि मैं लोगों के साथ डील करने में। तो अब आपका मन है कि मैं शांति चाहता हूँ, पीस चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन आपके लिए प्यार भरा है उनका। अब उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को शांति देना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुके हैं दुनियादारी से निभाते निभाते। और जो बातें आप लोगों को दूर करती हैं या आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में डालती हैं, उन लोगों से या उन नेगेटिव से दूर रहकर वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, ये सोचते हैं इस टाइम। वो आपको जस्टिस नहीं दिए गया है, ये भी सोचते हैं कि बहुत कुछ आपके साथ गलत किया है, और रिग्रेशन तो है ही है उन्हें, लेकिन ये चीज़ें सोच के ओवर थिंकिंग में स्ट्रेस लेते रहते हैं, जिनकी वजह से DFP फ्रस्ट्रेशन होके मूव ऑन कर लिया भी। आप अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप हमारी ऐसी वैल्यू रहने वाली है, तो हम क्यों आपके साथ रहें। ये तो और DF की हो रही है, कल से थोड़ी सी एनर्जी जो आपकी चेंज हुई, 11-11 का पोर्टल था, लेकिन कईयों के परमानेंट यूनियन भी हुए, लेकिन कईयों के थोड़ा सा मूड भी ऑफ बहुत हुआ कि मेरा को मुझे तो अभी तक नहीं रिजल्ट मिला, इतना कुछ किया। तो DM का भी मूड ऑफ था, क्योंकि वो कह नहीं पाए किसी भी वजह से, ये डिवाइन इंटरवेंशन था, नहीं बोल पाए या बैलेंस करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें भी रिजल्ट जीरो मिला और आपको भी रिजल्ट नहीं मिला। तो ये सब बातें यहाँ पे मैटर करती हैं, और आप लोग प्रॉपर डिसीजन ना लेने की वजह से अप डाउन सिचुएशन में रहे। कभी आपके मूड थोड़ा सा सही भी लगा तो कभी मूड थोड़ा सा ऑफ लगा, लेकिन अब आपके पास आपके DM आ रहे हैं, क्योंकि अभी 11-11 पोर्टल पूरा गया नहीं है, ये शुरुआत हुई है। 29 को भी 11-11 पोर्टल है, तो जब तक बहुत कुछ चेंज हो सकता है। आपके हाथों में है सब कुछ, आप अभी भी मेहनत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर किसी को हीलिंग प्रोसेस चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो आप लोगों को कॉल मैसेज आया भी हो और कईयों के पास नहीं भी आया हो, तो इस टाइम आप बहुत सैड एनर्जी में फील कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। आप ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, करने की कोशिश करते हो लेकिन फिर से ऑपरेट करने लग जाते हो, और कब ठीक होगा कैसे होगा ये सब सोच सोच के बहुत ही डिप्रेशन में, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और कार्मिक से दूर तो हो, लेकिन अकेलापन बहुत फील कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम आप किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हो, चाहकर भी नहीं कर पा रहे हो। तो फिर आपको लगता है कि यार किसी से बात भी करूं तो वो लोग भी मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मुझे क्या डिसीजन देंगे, मैं उनकी बात भी नहीं सुनना चाहता। इस तरीके से आपने एक मैंटेलिटी बना ली है, जिस वजह से आप थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं, नहीं सोच पाते हैं प्रॉपर वे से क्या किया जाए ना किया जाए। तो आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, बेचैन होने शुरू हो जाते हो, बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है, थ्रॉट तो वैसे ही ब्लॉक आपका ज़्यादातर रहता ही है। और इस टाइम आपको चक्कर भी आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे भी इफेक्ट पड़ता है आप लोगों की एनर्जी का कलेक्टिव, क्योंकि मैं लोगों के साथ डील करती हूँ, तो मेरे साथ भी ये सब होना शुरू हो जाता है। चाहे हम लोग कितना भी पॉजिटिव रहते हैं तो भी आपका इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। तो फिलहाल तो मैं छोटी सी आपके लिए एक एनर्जी अपडेट बनाया है, ताकि जो मुझे रिसीव हुआ, और इतना मेरी हालत नहीं है कि मैं आपको और डिटेल दे पाऊँ, तो अभी के लिए इतना ही। तो आप सब अपने फेयर से ऑपरेट ना करें, कर्मा क्रिएट ना करें, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए, सब ठीक होगा, मेहनत कीजिए, जो होगा वो डिवाइन करेगा। एक्सेप्टेंस मोड में आइए, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे ग्रोथ कीजिए। आप लोगों के लिए गाइडेंस है, और चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, इनर वर्क करते रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पेशेंस रखिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गॉड एंजल सिस्टर को। थैंक यू सो मच।